टोकन क्रमांक पाच सर्व अक्षरधारकांनी वरती जायचे. सहा रंगला आहे ते टोकन क्रमांक पाच आणि टोकन क्रमांक सहा नी सुद्धा ये 12 नंबर वार्ड आरएफ कॉलोनी, उसमें हमारे वार्ड के 550 वोट उधर डाल दिए गए हैं, जबकि भौरे की जो कॉलोनी है वहाँ पर एक सुरक्षित भीत है उस वार्ड की 12 नंबर की. उसके बाद में फिर नदी हमारा वहाँ पे एक ऐतिहासिक भीत है. उसके बाद में 200 फीट के बीच में नदी है. फिर उसके बाद में कॉरपोरेशन से मैंने सुरक्षित भीत बनाया है जयसिंहपुरा के लिए, उसके इधर के वोट 550 नंबर में डाल दिए गए. तो मैंने बोला साहब अब ये इतना उंगाल के आ रहे हैं सब ऐतिहासिक भीत पूरी 200 फीट की नदी, तो ये वोटों को क्या हेलीकॉप्टर से ले जाके उधर वोटिंग कराएंगे या जीसीपी से उठाकर लेके जाएंगे? ये तो होता ही नहीं. और इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइंस है 4.6 और 4.7 बड़ी नदी बड़े नाले उंगाल कर इधर के वोट उधर नहीं जा सकते, वो हमने बताया. और 4.7 जैसे कि गलिया 8-10 गलिया उंगाल के उधर नहीं जा सकते हैं, तो उनके समझ में आया. उन्होंने जो बेगमपुरा के जो वोट इधर आए थे 1500-1600 उसको भी निकालने का आदेश दिया. वार्ड ऑफिसर को बोला, टाउन प्लानिंग के एबी देशमुख को बोला कि इनका करेक्शन करके दो, और करेक्शन को करना ही पड़ेगा. और हमने ये बोला कि शहर में पूरे ही वार्डों को, अभी उधर के 3 वार्ड सातारा देवलाई के बढ़ाना है तो उसमें शहर के 3 वार्ड गायब कर दिया इन्होंने, और शहर में 81 वार्डों में इन्होंने बिल्कुल तोड़फोड़ किया. और तोड़फोड़ करने के बाद में लोगों ने कंप्लेन भी किया कि हमारे वार्ड गए कहाँ. उसके ऊपर आक्षेप लेते हुए उन्होंने डायरेक्शन दिया टाउन प्लानिंग को और वार्ड के डिप्टी को कि इनके वार्ड करेक्शन करके दो. और अनेक वार्डों में जो घपला इन्होंने किया, मैंने सारे शहर का बताया उनको, तो इन्होंने तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल निर्णय लिया और निर्णय दिया कि हमारे को वार्ड नंबर जयसिंहपुरा को न्याय दिया. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. जो नगर रचना की गई है, वार्डों की जो रचना की गई है वो एकदम गलत तरीके से की गई है. उसके वास्ते जो आज महानगर पालिका की तरफ से जो उसका आक्षेप रखा गया था, जिसमें आज तकरीबन 500 तक उसमें ऑब्जेक्शन आए हुए हैं,
और मेरा पर्सनल ऐसा इसमें जो मेरा वार्ड था पर्सनल, इसमें वो वार्ड के चार हिस्से किए गए हैं जो नेशनल बाउंड्री को कहीं भी मैच ना होते हुए, जैसा अपना मिसाल के तौर पर जैसा दिल्ली गेट का तालाब है, रोजाबाग का वार्ड दिल्ली गेट का तालाब पूरा क्रॉस करके 100 फीट का पूरा रोड क्रॉस करके उसको रोजाबाग में डाला गया है। तो हमारा बोलना था उसको भाई वो वार्ड को दिल्ली गेट तक बाउंड्री बनाओ उसकी, अन्ना भाव साठे चौक जो है वहाँ तक उसकी बाउंड्री बना के वानखेड़े नगर तक लो। एक वो हमारा ऑब्जेक्शन था। दूसरा ये ऑब्जेक्शन था कि लोटा खारंजा और हर्षनगर जो वार्ड है, जो दोनों तकरीबन 80% जो वार्ड है वो चेलीपुरा और उसका नाम दिया गया विश्वास नगर, जबकि वो दोनों का हिस्सा जो है 30% है जो लोटा खारंजा, जिसकी वजह से लोटा खारंजा कहा जाता है, उसको वो वार्ड का नाम लोटा खारंजा ना देते हुए चीनीपुरा हर्षनगर दिया गया, जबकि वो वार्ड वैसा बनता ही नहीं, वो वार्ड लोटा खारंजा गलत तरीके से बनाया गया है, हमारा ऐसा बोलना था। अब उसमें जो इलेक्शन के ऑफिसर के जो लोग आए हुए हैं उन्होंने हमारी पूरी बात इत्मीनान से सुनी और उन्होंने उसमें उनको बताया कि जहाँ गलती है उसमें करेक्शन किया जाए। बोलता सब तो नहीं माना उन्होंने, जहाँ नेचुरल बाउंड्री जहाँ नहीं मिल रही थी उसको उन्होंने बताया कि भाई जैसा दिल्ली गेट का तालाब छोड़ आगे लाके टोकन क्रमांक 12 रोड क्रॉस करके मैच बाग में डाला गया, टोकन क्रमांक 12 यानी वर्ती जोन प्रतीक्षा करें चाहिए, बोलना था कि अब दिल्ली गेट तक ये वार्ड को दिल्ली गेट से वानखेड़े नगर तक जो हमारा था उन्होंने ऐसा आदेश, 7 अर्जदार आहेत टोकन क्रमांक 12 ग्रुपचे मेंबर यांनी आयोगाकडे एक आक्षेप दाखल केलेला होता, त्यानुषंगाने आज एक नंबरचा आक्षेप क्रमांक आमचा, आक्षेपकारकांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया आपली उपस्थिती नोंदवावी। सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा होता का जाणीवपूर्वक काही लोकांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयोगाचे जे रूल्स रेग्युलेशन होते ते इथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी ते फॉलो केलेले नाहीये, ज्या आक्षेपकारकांनी आपली उपस्थिती नोंदवली आहे त्यांनी कृपया हक्काचे जवळचे त्यांच्या मताशी सहमत असलेले जाणीवपूर्वक ते लोक आले पाहिजे म्हणून हा सगळा त्यांनी खेळला। उपस्थितीच्या टेबलवरती अनावश्यक लोकांनी कृपया वार्ड क्रमांक 3 हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एसटी कॅटेगरीमध्ये बसू शकतच नव्हता आणि तो कसा बसू शकत नव्हता त्याचा आम्ही खुलासा त्यांना करून दिला। 2015 आमचा वार्ड हा 4 नंबर एसटीमध्ये होता आणि त्याची लोकसंख्या 780 होती, त्यातले 150 ते 250 दोन ब्लॉक तो काढून हा वार्ड नंबर 3 टाकण्यात आला, ज्याची काही गरज नसतात कारण की 2011 जनगणनेनुसार एका वार्डामधली लोकसंख्या 10,500 असणं गरजेची आहे, जी की 2015 आमच्या वार्डाची 10,500 जास्त होती आणि त्याच्यामध्ये बदल करायची गरज नसताना हा सगळा 80 वार्डामधला जो खेळ केलेला आहे तर फक्त 8-10 लोकांना पुन्हा महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून आणण्यासाठी।